सुप्रिय शिक्षार्थीबृंद सरकार इजिलुर रहमान महिला कलेजर हिसाब विज्ञान विभाग के तृतीय अनार्स तृतीय वर्ष शिक्षार्थी आज के फिनान्सियल मैनेजमेंट विषयटी पढ़ाबो। ये विषय जो चैप्टर नहीं आलोचना करब से डिविडेंड पॉलिसी। तुम्हारा जानो डिविडेंड पॉलिसी रिप्रेजेंट ए प्लान ऑफ एक्शन वेदर वी कैन से दैट इट इज ए कीवर्ड ऑफ टेकिंग रिस्क। वी नो शेयर होल्डर इन्वेस्ट मनी इन ए सर्टेन फर्म टू रिसीव प्रॉफिट, बट दिस प्रॉफिट इज टोटली नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द शेयर होल्डर्स। सर्टेन पोर्शन ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द शेयर होल्डर्स इट इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कंपनी एक्ट 1994। यू नो वेरी वेल दैट कंपनी एक्ट पुट्स ए सर्टेन रेस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग पेमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। हाउ मच प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द शेयर होल्डर दिस इज कॉल्ड डिविडेंड। माय डियर स्टूडेंट आई विल टीच यू सम बेसिक फॉर्मूला व्हिच इज हेल्पफुल फॉर यू टू फाइंड आउट सम आइटम्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। दिस आर दिस फॉर्मूला इज सपोज एन एस मीन्स नंबर ऑफ शेयर। नंबर हाउ वी कैन गेट नंबर ऑफ शेयर इन आवर प्रॉब्लम देयर इज ए कॉमन स्टॉक एंड कॉमन स्टॉक मीन्स मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी बाय फेस वैल्यू ऑफ शेयर आरओए। दिस आर द बेसिक फॉर्मूला ऑफ आरओए। आरओए मीन्स रिटर्न ऑन एसेट। रिटर्न ऑन एसेट एनआई मीन्स नेट इनकम बाय टोटल एसेट इनटू 100। अर्निंग पर शेयर एनआई माइनस पीडी। एनआई होच्छे नेट इनकम माइनस पीडी। प्रेफरेंस डीपीडी मीन्स प्रेफरेंस डिविडेंड बाय नंबर ऑफ शेयर। डीपीएस डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर डीडीपी डिविडेंड डिक्लेयर एंड पेड बाय नंबर ऑफ शेयर। डिविडेंड पे आउट रेशियो इक्वल टू डीपीएस बाय ईपीएस इनटू 100। रिटेन रेशियो इक्वल टू 100 माइनस डीपीएस रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो मार्केट प्राइस पर शेयर बाय अर्निंग पर शेयर के 1 बाय प्राइस अर्निंग रेशियो इनटू 100। रेसिडुअल अर्निंग फॉर रीइन्वेस्टमेंट इक्वल टू एनआई माइनस पीपी इनटू आरआर। नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट ए प्रॉब्लम। हियर कॉमन स्टॉक इज 5 लाख एंड पर शेयर इज 100 टका। 10% प्रेफरेंस शेयर 3 लाख। टोटल कैपिटल इज 8 लाख। मार्केट प्राइस पर कॉमन स्टॉक 170 टका। नेट इनकम 2 लाख। प्रेफरेंस डिविडेंड 30,000। डिविडेंड डिक्लेयर एंड पेड 85,000। यू हैव टू कैलकुलेट आरओए अर्निंग पर शेयर डिविडेंड पर शेयर डिविडेंड पे आउट रेशियो रिटेन रेशियो प्राइस अर्निंग रेशियो कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड रेसिडुअल अर्निंग पर शेयर। सो यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर मीन्स हियर कॉमन स्टॉक इज 5 लाख। कॉमन स्टॉक 5 लाख एंड नंबर ऑफ पर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर मार्केट फेस मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज 100 टका। तो 5 लाख बाय 100 दैट इज नंबर ऑफ शेयर 5 लाख इन आवर प्रॉब्लम वी गेट 5,000 इज आवर नंबर ऑफ शेयर। नेक्स्ट आरओए। आरओए मीन्स रिटर्न ऑन एसेट। रिटर्न ऑन एसेट मीन्स
NI by total asset. NI, here NI is in your book, we get EAT. EAT means NI. 2 lakh divided 2 lakh by 2 lakh by total asset. Total asset is 8 lakh. Total asset 8 lakh into 100. That is our return on asset is 25%. Earning per share. Earning per share equal NI. NI net income. Net income হচ্ছে 2 lakh PD minus PD. PD means preference dividend 30,000 by number of share. Here ROI earning per share is 34%. DPS. DPS means dividend per share. Dividend per share. Here we get formula DDP. DDP means dividend declared and paid. Dividend declared and paid and number of share. Dividend declared and paid. We get our problem dividend declared and paid 85,000 number of share 5,000. So we get DPS 17. Dividend payout ratio. Dividend payout ratio means DPS by EPS into 100. DPS means DPS. 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 We get DPS 70 taka. And EPS earning per share. Earning per share 34 taka. EPS. These are the basic formula of dividend policy. If you try to solve your problem which is mentioned in your book, I think it is easily solve your problem. You can easily solve your problem. Next is our retention ratio. Retention ratio means DP ratio. DP ratio is 50%, 100 minus 50%. 100 minus 50%. Retention ratio is 50%. Price earning ratio. Price earning ratio. Market price per share. Market price per share. Here market price per share is 170 taka. 170 taka. And earning per share is $34. So price earning ratio 5 times. Price earning ratio is 5 times. KE means cost of equity. Cost of equity 1 divided price earning ratio. Price earning ratio is our 5 times. So 1 by 5 into 100. Equal to 20%. Last one is residual earning for
reinvestment. Residual earning for reinvestment, NI minus PD. Here NI is 2 lakh. NI is 2 lakh and PD. PD is 30. Preference dividend. PD preference dividend is 30,000. Into retention ratio. Retention ratio is 50%. So residual earning for investment is 85,000. Here is our basic formula. I think you should try all this problem by using this formula and you will get your desired result. তোমরা এইভাবে যদি সূত্রগুলো ব্যবহার করে ডিভিডেন্ড পলিসির বেসিক জিনিসগুলো তোমরা সলিউশন করো, আমার মনে হয় তোমরা এটা সলভ করতে পারবে এবং আস্তে আস্তে আমরা আরও একটু আনকমন যেগুলো আগামী ক্লাসে একটা বেসিক ফর্মুলাগুলো আমি পড়িয়ে দিলাম, আগামী দিনগুলোতে আরও যেগুলো একটু আনকমন সেইগুলো নিয়ে আলোচনা করব। তোমরা এই জিনিসগুলো মুখস্থ করবে সূত্রগুলো এবং প্র্যাকটিস করবে। আমি আশা করি তোমরা এই করোনার সময়ে বাড়িতে বসে তোমরা ফিনান্সের অঙ্কগুলো নিয়মিতভাবে করে তোমাদের সমস্যার সমাধান করবে। আমি আর আজকে আর ক্লাস দীর্ঘায়িত করবো না। তোমরা সবাই ভালো থাকো, সবাই সুস্থ থাকো, সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।